अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। काकुल ट्रेनिंग कैंप पाकिस्तान की टीम का जारी है, जिसमें ट्रेनिंग की जा रही है। काफ़ी रफ एंड टफ है, हम हमेशा ही बात यहाँ पे करते आए हैं। एंड बहुत से उसके विजुअल्स भी वायरल होते हैं, एंड जो काफ़ी ज़्यादा क्यूट भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा है कि इंजॉयबल होते हैं। बिकॉज़ जब भी जो ड्रिल्स कराई जा रही है वहाँ पे, उनमें ईच एंड एवरी प्लेयर इज़ हेल्पिंग एवरी वन। एंड है कि अगर वॉल क्लाइंबिंग भी है तो दो तीन प्लेयर्स वहाँ पे बैठे हुए हैं। भाई पहले उन्होंने वॉल क्लाइंब कर ली है, देन है कि वॉल के ऊपर बैठे हुए हैं, एंड भाई किसी ने आना है एंड किसी का वो हेल्प आउट कर दें। एंड मतलब ये जो वाइब्स हैं ये बहुत ज़्यादा होलसम है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी वाइब देती हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ये ओल्ड PCT वाली वाइब्स दे रही हैं। आई डोंट नो, आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड, बट स्टिल आई थिंक कि ये जो हमारी पुरानी PCT थी, जो बाबर आजम की कैप्टनसी में जो बाबर आजम ने एक यूनिटी बनाई थी माशाल्लाह, वो वाली PCT मुझे लग रही थी। खैर लेट्स होप, लेट्स जस्ट होप, मुझे खैर पूरा एतमाद है बाबर आजम पे कि वो दोबारा से जो यूनिटी थी पाकिस्तान की टीम में, जिसको थोड़ा खैर थोड़ा सा ब्रेक करने की कोशिश की गई है, डेफिनेटली तो काफ़ी ज़्यादा हार्म तो पहुंचाया है PCB के गलत फैसलों ने इस यूनिटी को, बट स्टिल आई फुली बिलीव ऑन बाबर आजम के वो डेफिनेटली इस जो यूनिटी को है वो दोबारा से लेके आएंगे टीम में, एंड अच्छी तरीके से बॉन्डिंग मज़ीद मजबूत हो जाएगी। खैर इसके अलावा और बहुत से लोग बातें कर रहे हैं के जो हमारे मतलब प्लेयर्स में आपस में रिफ्ट्स हैं या कुछ ऐसा है, या बाबर शाहिन से नहीं मिल रहे या शाहिन उससे नहीं मिल रहे हैं, दिस एंड दैट एंड ऑल। तो भाई ट्वीट किया है जो पाकिस्तान की टीम के साथ मौजूद हैं, जो ज़ीशान नासिर नाम से, आप उनका देख सकते हैं जाके ट्वीट भी। उन्होंने ये कहा है कि भाई बहुत सी बातें मीडिया में चल रही हैं कि ऐसा है वैसा है प्लेयर्स के वहाँ पे, बट मैं 24/7 प्लेयर्स के साथ हूँ एंड मैंने कोई इस तरह की चीज़ नोटिस नहीं की, बल्कि तमाम प्लेयर्स आर इंजॉइंग देयर सेल्फ एंड सब एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, सब एक दूसरे का ख्याल रख रहे हैं, एंड इट्स लाइक अ फैमिली। एंड डेफिनेटली जो एक बंदा साथ साथ है उसको ज़्यादा पता है, एंड हम भी खैर देख रहे हैं विजुअल्स। अभी कल के भी जो विजुअल्स थे वो यही थे कि भाई बाबर, रिजवान, शाहीन है के साथ मिल के वार्म अप कर रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, एंड जो 2 किलोमीटर की रनिंग है, बाद बाबर आजम ने 6 मिनट्स प्लस कुछ सेकेंड में माशाल्लाह उसको कम्प्लीट कर लिया। एंड इसके अलावा खैर बहुत से लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि बाबर के जितने भी जो पिक्चर्स वगैरह या विजुअल्स आ रहे हैं, जो वीडियोस वगैरह वायरल हो रही हैं, उसमें रिजवान साथ नहीं है। तो इस पर भी खैर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं कि भाई इन दोनों के बीच में कुछ रिफ्ट चल रही है नॉल, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एंड कल के जो आपके ट्रेनिंग सेशन के जो आए थे आफ्टर द इफ्तार, जो ट्रेनिंग सेशन के विजुअल्स आए हैं, उसमें बाबर रिजवान साथ ही हैं, शाहीन भी साथ हैं, मतलब हर किसी के साथ। एंड एज आई सेड बिफोर कि बाबर आजम पर मुझे फुली बिलीव है कि वो तमाम को यकजा कर लेंगे इंशाल्लाह। एंड खैर इसके अलावा कल हमारे जो मोहसिन नकवी साहब हैं PCB चेयरमैन, वो काकुल गए थे, एंड जो सिलेक्शन कमेटी है वो तो एक दो दिन से आई थिंक काकुल में ही मौजूद है। एंड जो चेयरमैन साहब हैं वो कल पहुँचे, एंड कल इफ्तार प्लस डिनर है के साथ किया गया कैडेट्स वगैरह के साथ, एंड काफ़ी ज़्यादा उसकी भी पिक्चर्स इंटरनेट पे सर्वाइव कर रही हैं। बाबर एंड शाहीन भी साथ हैं एंड कैडेट्स के साथ है कि दे आर इंजॉइंग देयर टाइम एंड दे आर क्लिकिंग सेल्फीज एंड ऑल, एंड ओवरऑल एक अच्छा टाइम गुजर रहा है। शादाब ने भी कुछ है कि ट्वीट इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्वीट किया था कि काकुलिंग विद चीफ एंड पागल और नवाज़ एंड हारिस रऊफ़ साहब हैं, एंड वी ऑल नो कि हारिस रऊफ़ मतलब पागल कौन है एंड चीफ कौन है। अगर नहीं मालूम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं क्लियर कर दूँगी। एंड खैर इसके अलावा हमारे जो अहमद शहज़ाद साहब हैं, उनके बहुत ज़्यादा हैं कि खबरें वायरल हो रही हैं कि उन्होंने कहा है कि बाबर आजम को दोबारा जो कैप्टनसी दी गई है, तो ऐसा मतलब ये सही डिसीजन नहीं है, गलत डिसीजन है। शाहीन के साथ भी खैर गलत है, तो शाहीन के साथ तो डेफिनेटली गलत है, बट उन्होंने जो एक लफ्ज़ कहे वही बात है कि मतलब ये इस तरह के जो लोग होते हैं, आमिर हो गए, माज हो गए, या अहमद शहज़ाद हो गए, और भी खैर इस तरह के बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं जिनके लिए हम अपना दिल साफ़ करना चाहते हैं कि चलो लेट्स जस्ट सपोर्ट देम एंड ऑल। हम सपोर्ट तो खैर सभी को करते हैं हमारे प्लेयर्स हैं, बट स्टिल कुछ कुछ उनकी हरकत ऐसी होती हैं। तो अहमद शहज़ाद भी खैर काफ़ी ज़्यादा अभी है कि नेकी के काम करे जा रहे थे, एंड काफ़ी ज़्यादा है कि दे हेल्प कर रहे हैं तमाम जो भी नीडी पीपल्स हैं, बट है कि अब है कि उनका ये जो इस तरह का स्टेटमेंट वायरल हुआ है, तो जो दिल थोड़ा सा पसीजना शुरू होता है इनके लिए, वो दोबारा से सख्त हो जाता है कि भाई दे डोंट डिज़र्व। तो मोहतरम ने कहा है कि भाई हमारे पास कौन से एम एस धोनी साहब हैं जो बेंच पे बैठे हुए हैं कि हमने दोबारा उनको कैप्टनसी से कैप्टनसी दे दी है, यानी बाबर आजम कोई इतने बहुत बड़े अच्छे कैप्टन नहीं है कि हमने उनको दोबारा मिन्नत थल्ले करके कैप्टन बनाया है। सो लेट मी क्लियर वन पॉइंट,
अगर आप एमएस धोनी से कंपेयर कर रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लाइक कंपेरिजन्स। मैं कंपेरिजन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। जो मुझे देखते हैं पहले से उनको पता होगा कि मैं कंपेरिजन पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती। बट स्टिल अगर आप धोनी से कंपेयर कर ही रहे हो तो बाबर आजम T20 आईज में धोनी से ज़्यादा कामयाब तरीन कैप्टन है। स्टैट्स ये बताते हैं, धोनी ने 72 मैचेस में कैप्टनसी की है, T20 मैचेस में कैप्टनसी की है, एंड उसमें से कुछ 40 जिताए हैं टीम को। एंड इसके अलावा तमाम है कि वो नो रिजल्ट रहे हैं या हारे हैं, एंड एक आधा कुछ नो रिजल्ट रहा है, बाकी तो सब मतलब इंडिया टीम ने लॉस किया है। एंड जब बाबर आजम की आप बात करें, बाबर आजम ने कुछ 70 मैचेस में टीम की T20I टीम की क्यादत की है, एंड उसमें से 42 मैचेस सो फार बाबर आजम ने पाकिस्तान की टीम को विन कराए हैं। दैट मीन्स के जब स्टैट्स की बात करते हैं तो बाबर आजम धोनी से आगे हैं। एंड बाबर आजम ने आई थिंक जो हमारे वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है आयन मॉर्गन का भी रिकॉर्ड उन्होंने अभी तक लेवल कर दिया है, एंड वो रिकॉर्ड लेवल ही था। यानी बाबर आजम T20 हिस्ट्री के सबसे कामयाब तरीन कैप्टन बनने वाले थे, बट एट दैट टाइम उनसे वाइट बॉल की कैप्टनसी ले ली गई थी, उनको फोर्सफुली रिजाइन करवाया गया था। बट अब इंशाल्लाह दोबारा उनको कैप्टनसी मिली है, तो अब आप देख लेंगे कि जस्ट एक मैच की दूरी पर है, यानी स्कोर उन्होंने लेवल किया हुआ है। आयन मॉर्गन एंड एक और भी कोई कैप्टन है, उनका स्कोर उनका जो रिकॉर्ड है वो लेवल हुआ हुआ है। यानी बाबर आजम 42 मैच में टीम की क्या टीम को फतह की जानब है कि गामजन किया है, टीम को फतह दिलाई है। एंड अब है कि जब वो 43 मैचेस में इंशाल्लाह पाकिस्तान की टीम को फतह याब करवाएंगे तो वो T20 हिस्ट्री के सबसे ज़्यादा कामयाब तरीन कैप्टन बन जाएंगे। सो वही बात है कि आप क्रिकेटर हैं तो आपको इस तरह के स्टैट्स या इस तरह की हकीकत भी फैक्ट्स भी मालूम होने चाहिए है कि कुछ भी तरीके की बात करने से पहले। एंड इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने बातें की हैं, भाई कामरान अकमल साहब का कहना है कि बाबर आजम को 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप तक कैप्टनसी दे देनी चाहिए एंड पूरी अथॉरिटी के साथ देनी चाहिए। एंड शाहीन के हवाले से उन्होंने यही कहा, उनको एडवाइस करी उन्होंने, आई थिंक इट्स टू लेट, बट स्टिल है कि उन्होंने कहा कि जब वो इस तरह की रूमर्स चल रही थी एंड सबको मालूम ही था कि बाबर को कैप्टनसी दोबारा दी जाएगी, तो शाहीन को रिज़ाइन कर देना चाहिए कैप्टनसी से। उनके पास अच्छा रीज़न भी था कि भाई PSL उनका अच्छा नहीं गया, लास्ट सीरीज अच्छी नहीं गई थी, एंड और भी बहुत से लोग हैं जो कैप्टनसी को सही तरीके से कर सकते हैं उनसे बेहतर, तो उनको इसी तरीके से मतलब इस तरह से है कि इज्जत के साथ रिटायर हो जाना चाहिए। बट है कि इस तरह से उनको सैक किया गया बगैर बताया और ये, तो ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है एंड डेफिनेटली गलत हुआ है। वो तो हम कह ही रहे हैं कि शाहीन के साथ गलत किया गया है। एंड रमीज अहर साहब ने भी ये कहा है कि भाई शाहीन को एतमाद में लेना चाहिए था, एंड अभी भी PCB को एंड बाबर आजम को चाहिए कि शाहीन को साथ मैटर सारे क्लेरिफाई करें, उसको कॉन्फिडेंस दें। एंड जब इस तरह से ऐसा होता है कि भाई टीम से मतलब एक प्लेयर से कैप्टनसी ली जाती है तो वो थोड़ा सा शेल में चला जाता है, थोड़ा सा है कि अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, तो उसको अगर आप क्लेरिफाई करोगे सारे मेरे मैटर्स, उसको एतमाद में लोगे तो सही रहेगा। और शाहीन आपकी टीम का एक लाजिम व मलजूम हिस्सा है एंड उससे आप डिनाई नहीं कर सकते। ऑल्दो ही इज़ नॉट इन हिज बेस्ट फॉर्म बट स्टिल ही इज़ द मेन पार्ट, ही इज़ द लीडर ऑफ आर पी एस अटैक। ऑल्दो अभी आमिर ने रिटायरमेंट वापस लिए, बट स्टिल आई थिंक जो लीडर है हमारे पी एस अटैक के वो शाहीन ही रहेंगे। सो मतलब उनको भी एतमाद में लेके तरीके से चलना चाहिए। एंड एज आई सेड अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह मुझे बिलीव है कि इंशाल्लाह बाबर आजम विल हैंडल देम ऑल ऑफ देम ईजीली एंड नाइसली एज वेल। एंड खैर इसके अलावा और भी हमारे जो जैसन ग्लिप्सी हैं जिनका नाम कंसिडर किया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली वो ही हमारे होंगे जो पाकिस्तान की टीम के वाइट बॉल के जो बॉलिंग कोच हैं वो, तो उन्होंने शाहीन को बहुत ज़्यादा प्रेज किया है कि शाहीन की क्वालिटी बॉलिंग को वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, ही पर्सनली रियली इंजॉयड क्वालिटी बॉलिंग इन ऑल। तो आई थिंक ही इज़ लिटरली लाइक मी, जो मतलब जो मुझे देखते हैं उनको मालूम होगा कि भाई मैं भी एक्चुअल फास्ट बॉलिंग जो एक्चुअल पेस बॉलिंग होती है आई रियली इंजॉय। एंड जो प्लेन मिस होता है ना वो तो ट्रिमेंडस होता है भाई, ट्रिमेंडस। मैं उस चीज़ को बड़ा इंजॉय करती हूँ जो अच्छी लेंथ पे अच्छी है कि लाइन पे बॉल अगर आप कराओ एंड फिर इसके बाद बैट्समैन डिसीव हो, ओ माई गॉड, दैट्स रियली हॉलसम फॉर मी। आई थिंक कोई बाउंड्री कोई छक्का मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं देता जिस तरह जो उस तरह की डिलीवरी मुझे खुशी देती है और जो उसको देख के मुझे बताता है। आई डोंट नो बट आई रियली इंजॉय एक्चुअल पेस बॉलिंग। एंड खैर इसके अलावा जो हमारे बेन स्टोक्स साहब हैं
उन्होंने अपने आप को अनअवेलेबल जाहिर किया है 2020 वर्ल्ड कप के लिए, सिलेक्शन के लिए। एंड खैर अच्छी बात है, मोहतरम ओडीआई वर्ल्ड कप में अपनी रिटायरमेंट से वापस आए थे, एंड ही वाज लाइक कि भाई मैं दुनिया फतह कर लूँगा। एंड फिर इंडिया इंग्लैंड की टीम का जो हाल हुआ है, जो उनकी भी परफॉर्मेंस थी वो इतनी अच्छी नहीं थी, तो अच्छी बात है कि भाई यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए। इंग्लैंड अपनी गलतियों से सीख गया, बट हमने तो अभी ये गलती की शुरुआत की है। अल्लाह करे कि हमारे ये जो भी है कि गलती गलती ना कहलाए और मतलब अच्छा हो जाए पाकिस्तान के लिए, जो हमने इमाद आमिर को वापस बुलवाया है। तो अल्लाह करे दोनों पाकिस्तान की टीम में की टीम की कारकर्दगी में या अच्छी परफॉर्मेंस में या फतह में हम किरदार अदा करें दोनों इंशाल्लाह। एंड खैर इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी साहब को भी बहुत से लोग कह रहे थे, उनको मॉक भी कर रहे थे बहुत ज़्यादा लोग, उनको ट्रोल भी कर रहे थे कि भाई उनका जो भी प्लान था वो फेल हो गया है, लॉबी की थी, ये किया था, वो किया था, एजेंडा रन कर रहे थे नॉल। तो उसके जवाब में उन्होंने कहा है कि भाई अगर मेरी लॉबी इतनी स्ट्रांग होती कि मैं इतने इम्पॉर्टेंट अफेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट के कर सकता, तो मैं और बहुत सी है कि मतलब इस तरह से नहीं होता और बहुत सी चीज़ों में मैं इफेक्टिव होता, या मैं पीसीबी चेयरमैन होता। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई उन्होंने लॉबी नहीं की है, कुछ भी नहीं किया है, बट रहने दे, चले खैर भाई, हम सबको पता ही है सब कुछ। एंड अब जब चीज़ें थोड़ी बेहतरी की जानेब गामजन होती हुई नज़र आ रही हैं, तो लेट्स जस्ट लीव इट। और खैर इसके अलावा जो हमारे पाकिस्तान की टीम का स्क्वाड है उसके बारे से खबरें हैं कि शायद 5 अप्रैल को, है कि अनाउंस किया जाएगा। एंड रोटेशन पॉलिसी के तहत शाहीन को यूज़ करने की बातें हो रही हैं, और भी तमाम बॉलर्स को स्पेशली रोटेशन पॉलिसी के तहत यूज़ होगा। ऐसा नहीं होगा कि तमाम मैचेस एक ही बॉलर को आप खिला रहे हो, तो ये खैर अच्छी बात है। एंड शाहीन को थोड़ा रेस्ट डेफिनेटली मिलना चाहिए, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। एंड आई जस्ट बिलीव कि अगर उसको प्रॉपर रेस्ट के बाद वो आता है तो फिर वो अच्छी तरीके से अच्छे टच में होगा, अच्छे अपनी फॉर्म में होगा। दैट्स व्हाट आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड इसके अलावा और भी खैर खबरें गर्दिश कर रही हैं तमाम ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि पाकिस्तान एंड इंडिया की टीमें टेस्ट मैच खेलेंगी न्यूट्रल वेन्यू पे, यानी मेलबर्न में खेलेंगी। हमने खैर कुछ टाइम से हम सुन ही रहे थे कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा क्यूरियस है कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैचेस कराए जाएँ ऑस्ट्रेलिया में। तो खबरें हैं अभी तक इसकी किसी भी मुस्तनद ज़राए से या मुतसद्दिक ज़राए से कोई खबर या कोई तस्दीक इसकी नहीं हुई है, बट खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान एंड इंडिया की टीम में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर दोनों टीम्स खेलेंगी मेलबर्न में एक टेस्ट मैच। सो देखते हैं कि इस खबर में कितनी सदाकत होती है। अगर तो ये खबर सच हुई तो बहुत ही ज़बरदस्त कोई है कि बात हो जाएगी क्रिकेट फैंस के लिए स्पेशली। सो खैर दैट वाज इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। अल्लाह हाफिज़।